प्रिया भाभी प्रिया भाभी प्रिया भाभी करना पाप है। बोलो क्या कह रहे थे। हाँ प्रिया भाभी आपके मामा जी की तार आई है। मामा कौन मामा? नाम लिखा है पूना मसाला। अरे पूनम मामा आ रहे हैं? पूनम नहीं लिखा है पूना मसाला। अरे ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। उनका असली नाम है पूनम चंद्र साला। साला? हाँ, उनका सरनेम है। क्या सरनेम है साला? ए, वो मेरी माँ के दूर के भाई है। अच्छा। बहुत नटखट है। हा? जब यहाँ आएंगे ना मिल लेना है। मिल लूंगा। हा? और हाँ अपने दोस्त को भी खबर कर दीजिए। हाँ मैं आनंद को बताता हूँ ऑफिस में फोन करके। प्रिया भाभी मामा जी की एकाध बेटी तो होगी। अरे एक नहीं तीन तीन बेटियां हैं। तीन तीन? अरे दो क्या तीन क्या, चलेगी चलेगी। नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि तीनों की शादियां हो चुकी है और तीनों के तीन तीन बच्चे भी हैं। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है, यहाँ लोगों की दो दो शादियां होती है। क्या? मैंने कहा मेरी किस्मत ही फूटी है। अच्छा तो ये लीजिए घंटी। घंटी बजाइए। हे भगवान कब बदलोगे मेरी किस्मत? भगवान, अरे भगवान, भगवान तो सुनता ही नहीं। मधुसिना। हाँ? आपकी तार है। मेरी तार? किसकी तार है? बताती हूँ। अरे बनारसी मौसी की तार है, वो आ रही है गांव से अपने पति के साथ। अच्छा ये कौन सी मौसी है? मेरी माँ की बड़ी बहन, मसूरी में रहती है। वैसे माँ से बातें सुनी है उनकी, लेकिन मैंने इन्हें कभी देखा नहीं है। आपने देखा नहीं? ये कैसे हो सकता है? अरे लेकिन आपको क्या करना है ये सब जानकर? जाइए यहाँ से। अच्छा, सॉरी सॉरी। गुरफाम ये कुली के प्रोफेशन में दो दिन में आज तक हम लोगों ने 12 सूटकेस, 40 हैंडबैग्स और 104 पानी की बाटली चुराई है। हाँ यार तू बोल रहे तो सही है, अपना प्रोफेशन सॉलिड है यार, लेकिन अपना नसीब फालतू है ना। क्या क्यों क्यों? अरे साला इतना सामान चुराया, एक में भी रोकड़ा है ज्वेलरी नहीं, सब में चार चार दर्जन अंडरवेयर बनिया, इतना लोग कभी पहनते यार समझता नहीं है। ए कुली कुले ए वो देख बूढ़ा बूढ़ी आ रहे है, चल। हाँ। ए ए ए ए, ए क्या करता है? अरे सॉरी आपका है क्या? नहीं तेरे बाप का है। कहाँ है? कितना माल है? नहीं बोले तो कितना सामान है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने इस कुली को बुलाया है, सामान वही उठाएगा, उठाओ सामान। चलो कहाँ जाना है? जन्म में चलना है तेरे को। मैंने इस कुली को बुलाया है, कुली नंबर वन सामान उठाओ। नहीं सामान ये उठाएगा। नहीं 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 ये उठाएगा। नहीं ये उठाएगा। अरे ये सामान उठाएगा। तुम लोग झगड़ा काहे को कर रहे हैं? बोले तो सामान के साथ इन दोनों को भी उठाएंगे। चल गुलशन उठा अंकल को। क्या करता है? चलो भागो यहाँ से। सामान लेके भागते भागते सामान लेके भागते, मेरी जिंदगी भर की कमाई इसमें है। वो तो अच्छा हुआ मेरी वजह से बच गई कमाई, वरना तुम उस चुड़ैल लाजो के पीछे सब कुछ लुटा देते। ए, 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 लाजो का नाम मत लेना, लाजो का नाम मत लेना। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? गुलशन यार लगता है बुड्ढा बुड्ढी के पास बहुत माल है यार। हाँ यार बुड्ढा कह रहा था उसकी बैग में जिंदगी भर की कमाई है। हाँ। जा उसके साथ शादी कर ले। हाँ, और मुझे अब भी कभी यहीं पर तलाक दे दे। चल यार हाथ मारते। क्या हाथ मारते? बैग को हाथ लगाएंगे तो बुड्ढा बहुत मारता है। उसका हाथ बहुत कड़क है यार। तेरे बाप ने दहेज का लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाया है, उसको बोल मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट चुका दे, फिर तेरे को मैं तलाक दे दूंगा। जा एक काम कर दे। क्या? इनका पीछा कर दे। ठीक है। और मौका मिलते ही माल उड़ाते हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना है, मैं जाती हूँ मेरे भांजी के घर। जा जाओ तुम्हारी भांजी के घर, मैं भी जाता हूँ मेरी भांजी के घर। किसको पड़ी है यहाँ पर, जाओ ना। बोनी को तो मामा जी को लेने के लिए भेजा था, पता नहीं अब तक क्यों नहीं है। मामा जी आप आ गए। पहला गो मामा जी। जीती रहो बेटी। अरे तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। एक मिनट ये लो पांच। अरे आपने तो बोला था 10 रुपए देंगे। मैंने सोचा था कि मेरी भांजी सेकंड फ्लोर पर रहती है, लेकिन ये तो फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, इसलिए आधा पैसा। चलो भागो। बोनी भाई आपने मामा जी से पैसे लिए? सिर्फ 5 रुपए लिए। मामा जी ये हमारा पेइंग गेस्ट है बोनी। अच्छा अच्छा मैंने सोचा पढ़ा लिखा कुली होगा। बोनी ये कुली ये। मामा जी मामी जी कहाँ है? चली गई अपनी भांजी के घर। भांजी? कितने साल की है भांजी? बोनी रॉन्ग नंबर। क्यों? मामी जी की भांजी की शादी हो गई है। मामा जी क्या हुआ मामी जी को? नाम मत लो उसका। अरे ओ मधु कहाँ मर गए सब लोग। अरे, अरे कौन है आप, ऐसे कैसे घुस गई अंदर? अरे तुम मधु ही हो ना? हाँ। जा पानी लेके आओ। मगर आप हैं कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी बनारसी मौसी। बनारसी मौसी? वही। पाँचो, जो पाँ मेरा।
चलो छुआ। अच्छा अच्छा हाँ चल अब जा पानी लेके आ और चाय खाना लगा बहुत भूख लगी है। अच्छा। पंखा तो चला पहले और सुन घर में टीवी है? हाँ है। एमटीवी आता भी है या नहीं? एमटीवी? हाँ एमटीवी आता है लगा दे जा। अच्छा अच्छा अरे सुनो क्या घर में बच्चे तो नहीं है? है मेरा छोटा भाई। मुझे बच्चों और कुत्तों से सख्त नफरत है। अगर घर में है तो मेरे पास भटकने भी मत देना। हाँ। भोपू ये हमारी बनारसी मौसी है, सबसे पहले इनके पैर छुओ। मौसी मौसी शैतान कहीं का। अगर मैं शैतान हूँ तो आप शैतान की मौसी हो ना। क्या कहा क्या कहा? मैंने कहा था ना तुमसे मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। हाँ कहा था मौसी। ये मौसी है या डायन? कौन सी मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई? क्या कहा? आपको नहीं मौसी? जाओ खाना लगाओ। क्या समझती है अपने आप को? एक मामूली कुली की वजह से उसने मेरे साथ झगड़ा किया। जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक उसने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। अच्छा क्या कह रहे हैं आप? अब छोड़ो इस बात को बेटे। हाँ? कुछ खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। कितने दिनों से घर का खाना नहीं खाया। क्यों मामा जी? मामी जी आपके लिए खाना नहीं बनाती है? अरे उसको खाना बनाना आता है किधर है? रोटी बनाती है तो लगता है दुनिया का नक्शा बनाया और वो फिर वो खुद खा जाती है। मेरे लिए कुछ रखती ही नहीं है। तो फिर मामा जी आप क्या करते हो? मैं लाजो के घर चला जाता हूँ। लाजो? ये लाजो कौन है? मेरी सहेली, मेरी पड़ोस में रहती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं भी उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। याने के दो दो, यहाँ भी दो दो। क्या? मैं कुछ नहीं। प्रिया दीदी। अरे श्वेता बहुत प्यारी लग रही हो, नया आउटफिट है? जी प्रिया दीदी, आज शाम को ना मेरे पापा की कंपनी में एक बहुत बड़ी पार्टी है और वहाँ सारे फॉरेनर लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ वेस्टर्न आउटफिट हो जाए, यू नो। वैसे भी वहां पर एक हिंदुस्तानी नारी की तरह तैयार होकर जाना इज सो शेमफुल। ये कौन है बदतमीज औरत? ये बदतमीज श्वेता है। क्या? मतलब पड़ोस की श्वेता है। अरे हिंदुस्तानी नारी की बदनामी करती है विदेशी बंदरिया। तुम्हारा मौसा 10-12 दिन तक घर से गायब रहता था, पता नहीं कहाँ जाता था घास चरने। फिर आप क्या करती थी मौसी? अरे क्या करना, घर में बैठ के खाना पीना सोना आराम करना। तुम्हारा मौसा घर पे नहीं रहने का वही तो फायदा था। आप ऐसा क्यों सोच रही है मौसी? देख मधु, मैं तुम्हें एक पते की बात बताती हूँ, ये जो पति लोग होते हैं उनको कभी सर पे मत चढ़ाओ, हमेशा पल्लू के साथ बांध के रखो, और अगर छूटने की कोशिश करे तो कैंची से पल्लू काट दो, समझी? जा अब मेरे लिए चाय बना के ला, दूध जरा ज्यादा डालना मलाई मार के। हाँ मौसी। नताशा नताशा ओ नताशा। क्या है? जरा वो नताशा से मिलना था। क्यों? वो डिस्को क्लब के मेंबरशिप के बारे में जरा जानकारी ले। लेकिन तुम हो कौन? मैं जरा बैठू। हाँ ठीक है बैठो बैठो। मैं प्रकाश, प्रेस रिपोर्टर हूँ यानी पत्रकार। कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ मैंने एमए किया है। एमए ठीक है, एसएससी पास किया है? हाँ किया नहीं एसएससी। लेकिन शक्ल से तो गुंडे दिखते हो। डायरेक्ट आप मेरे मुंह पे बोल रही हैं? देखो मैं किसी की पीठ के पीछे बुराई नहीं करती हूँ। वैसे तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं वही सोच रहा हूँ। मत सोचना। क्यों? तुम्हारे जैसी शक्ल वाले के साथ तो हमारे गांव की भैंस भी शादी नहीं करेगी। देखिए आप मेरा अपमान कर रही हैं। जानती हूँ। क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं। हाँ तुम्हारी शक्ल हमारे गांव के मुखिया तोला राम से मिलती है। तोला राम? हाँ और वो भी शक्ल से गुंडा दिखता है। देखिए आप मेरे अपमान के ऊपर अपमान करती जा रही है। हाँ जानती हूँ। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? मधुबाबी मधुबाबी। क्या हुआ प्रकाश भाई, क्या हुआ? ये पागल बुढ़िया कौन है? क्या कहा? पागल पागल तो ये बच्चे। क्या कहा? बुला ले और क्या कहा? बुला ले चाहे तो कहा छोड़ो। अच्छा तुम कहती हो तो छोड़ देती हूँ। हुआ क्या? अच्छा मधु तुम ही बताओ, इसकी शक्ल गुंडे जैसी नहीं लगती है? हाँ नहीं नहीं अरे दिखता है गुंडे जैसा।
हाँ आप कहती हैं तो दिखता होगा। अगर ये गुंडे जैसा दिखता है तो मैं क्या झूठ बोलूंगी? तुम सुंदर दिखते हो, तुम शाहरुख खान। अरे आप क्या कह रहे हैं मौसी, प्रकाश भाई तो हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। मैंने बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। आजकल तो मेरा बैड लक खराब चल रहा है, वो गली के कुत्ते भी मुझ पर भौंकते हैं, ये तो मौसी है, मैं जा रहा हूँ। प्रकाश भाई आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे साथ होता है ऐसा। ये मौसी तो मुझे ठीक तरह से सोसाइटी में जीने नहीं देगी, अब क्या करूं? आनंद को फोन करके बुला लेती हूँ, वही मुझे इस मुसीबत से बचा लेगा। रॉकेट जा 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 वो रॉकेट जा। हेलो, हाँ कौन? मधु डार्लिंग, क्या वो मौसी घर पहुंच गई? हाँ तू लात मार के उड़ा दो ना, नहीं जा रही है? अरे यार हट। हाँ नहीं देखो, मैं वक्त मिलते ही घर आता हूँ। हाँ हाँ, तुम ऐसा करो तब तक नींद की गोलियां ना दूध में डाल डाल के उसे पिलाते रहना। मेरे प्यारे पूनम, तुम्हारी बनारसी की तरफ से ये मेरे दिल की शिकायत है कि काश तुम्हारी मुझे लंबी होती, उस लंबी मुझो के झूले पर काश मैं झूला झूलती। बल्लो मामा जी, क्या हुआ आपको? ये देखो बेटी, तुम्हारी मामी ने मुझ पर कविताएं लिखी है। देखा मामा जी, मामी जी आपसे कितना प्यार करती है, और आप है कि जब देखो झगड़ते रहते हो। मुझे मेरी बन्नो की बहुत याद आ रही है, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। कमाई? हाँ बेटी, तुम्हारी मामी ने मुझ पर लिखी हुई कविताएं सुनो। सुनाइए। पूनम के कंधों पर जब मैं सर रखकर सो जाती, मेरे सपने में 1000 कदों की टोली आ जाती। बाबा बाबा क्या बात है, क्या बात है। बन्नो तुम कहाँ हो, कहाँ हो? पूनम मैं आई। वहाँ गई बन्नो? मामी जी आप भी आ गई? हाँ बेटा, मैं जानती थी ये मेरे बगैर रह ही नहीं सकते, चाहे कितना भी झगड़ ले, लेकिन मेरी कविताएं पढ़ते ही इनको मेरी याद सताने लगती है। अच्छा आप लोग विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कितनी समझदार है। हाँ बन्नो। है ना, वो इसी बिल्डिंग में पहले माले पे रहता है। ये हाँ। उस घर में तो दो बीवी वाला आनंद सिन्हा रहता है। अरे अपने को उसका बीवी थोड़ी लेके जाने का है, माल लेके वंटा सुनेगा क्या? जिंदगी भर की कमाई। हाँ। ये लेकिन इस बार उस बैग में कुछ नहीं मिला तो बैग को पनवती लगा था। चलना। चल मिलेगा मिलेगा। बन्नो। हाँ। बन्नो डार्लिंग। हाँ। बहुत साल हो गए तुमने मुझ पर कविता नहीं लिखी, एक छोटी सी कविता सुनाओ ना। सुना दूं? ठीक है, कोशिश करती हूँ। जरा दूर बैठो ना। मैं चंचल हिरनी, तुम चितचोर शिकारी। अच्छा। शिकारी की बंदूक से ना निकली गोली, फिर भी तुम जीते मैं हारी हारी हारी। हाय 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 मेरी मृगनयनी। ये वो देख बैग, जिंदगी भर की कमाई। हाँ यार, लेकिन वो बुड्ढा बुड्ढी तो उधर ही बैठे लाए ना बाप। हाँ यार। बन्नो डार्लिंग। हाँ? मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? क्या? अपनी सुहाग रात तुमको याद है ना? हाँ? उस सुहाग रात को तुमने वो ड्रेस जो पहना था ना, वो वो पहन लो ना मेरी हिरन। तू न होती तो मैं न होता, मैं न होता तो तू न होती। दूसरी भी दो ना। अरे वाह मेरे शिकारी। पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। ची 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 ची, ये चमन चलिया गाना क्यों गा रही हो? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, आजाद हूँ। ओहो क्या हुआ, मेरे आने की खबर सुनते ही तुम्हारी मौसी सुधर गई क्या? नहीं सुधर नहीं गई, चली गई अपने पति के पास। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन। थैंक गॉड तुम्हारा पति रहता कहाँ है? मैं बताता हूँ। कौन तुम क्या जानते हो? मधुबाबी एक ग्लास ठंडा पानी मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा।
मिलेगा। ये ठंडा पानी के चक्कर में तुम इसे सदियों से बेवकूफ बनाते रहे। अरे आनंद, बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या क्या हुआ? मधु भाभी की जो मौसी है वही प्रिया भाभी की मामी है और वो वहाँ बांद्रा पहुँच भी गई। ओह माय गॉड, प्रिया के पास? ओह गॉड, ये पता नहीं हमारे दादा परदादों ने आपस में क्या स्कैम, क्या घोटाला किया कि सब एक दूसरे से रिलेटेड हो गए हैं। अरे आनंद, अगर वो दोनों बुढ़े यहाँ आ गए तो तुम पर आफत आ जाएगी, जल्दी से यहाँ से खिसक ले। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया। ऐसा करता हूँ, ऑफिस में जाके ओवर टाइम करता हूँ। अरे लेकिन पहले वो दोनों बुढ़ों को गाँव भेज देना चाहिए। हाँ, नहीं तो इस सर्कस में मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मधु के आने से पहले यहाँ से खिसक लेते। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन से। पंछी बनू उड़ती फिरू। ये दोनों कहाँ चले गए? प्रिया दीदी, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर हुआ क्या? तुम्हारी मामा मामी ने सारी सोसाइटी को परेशान कर रखा है, बच्चों को खेलने भी नहीं देते। अच्छा, सुबह इनके शर्ट पर पान की इतनी लंबी पिचकारी मार दी कि बर्फ उल्टा साबुन से भी काम नहीं चला। हाँ प्रिया दीदी, और आज ना, आज जब मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी तो आपकी मामी पीछे से आई और उसे डॉलर अप समझकर इतना मारा कि उसकी दो हड्डियां टूट गई। दो ही टूटी? हाँ, आप अपने मामा मामी को समझा दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगी। अभी आप लोग जाइए ना। हाँ प्लीज, चलो चलो। ये मामा मामी ने बहुत परेशान करके रखा है, पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। छेंडे, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, तुझे कॉफी नहीं मिलेगी। अरे मैं कॉफी पीने नहीं आया हूँ। तो फिर आनंद साहब घर पे आए क्या? नहीं, ऑफिस में। अरे उनको फौरन पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। क्यों? आपकी कोई बनारसी मामी है क्या? उन्होंने आपके मामा पूनम साला का भरे बाजार में सर फोड़ दिया। अब दोनों अंदर है। अभी? जब तक आनंद साहब जमानत नहीं देते दोनों बाहर नहीं आ सकती। झेंडे जी, झेंडे जी, आप ही कुछ कीजिए ना। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए। अच्छा तो ठीक है, मैं आनंद को फोन कर देती हूँ। ओके, आप जाइए, जल्दी भेज देना। कौन कहता है मैं ऑफिस में काम नहीं करता? 125 मुक्की मारी। हेलो, हेलो आनंद, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। देखो आनंद, तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ। क्यों? मामा मामी जेल में है, तुम्हारे बिना उनकी जमानत नहीं हो सकती। अरे तो मैं क्या करूँ भाई, मैं नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। नहीं जा सकते? देखो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं गए ना मेरा मरा मुँह देखोगे, कह देती हूँ। अरे आनंद सिन्हा, तुम शादी करके फंस गए। ये बीवियों के रिश्तेदार तो कमबख्त बीवियों से भी ज्यादा बुरे होते हैं। 126 खबरदार, तो किसी ने इसको मरम लगाया। ए, मामी मैं कब से देख रहा हूँ, तो चिल्ला चिल्ली कर रही है, तेरे को फिर से अंदर डाल दूँ क्या? एक गेंडे। मेरा नाम गेंडे नहीं, झेंडे है। झेंडे ठीक है ठीक है, तू क्या मुझे अंदर करेगा, मैं इसे जब बाहर फेंक दूंगी। देखा देखा कितनी बदतमीज औरत है। बदतमीज होगा तू, तू तू बदतमीज। पुलिस स्टेशन में लफड़ा नहीं चाहिए, फिर से दोनों को अंदर डाल देगा। मैं हवलदार झेंडे, हवलदार झेंडे, पूनम सलामा का मैं हूँ। तुम प्रिया के हस्बैंड हो? हाँ हाँ। तो तुमको अभी फुर्सत मिली यहाँ आने की? वो क्या, मैं आउटडोर में जरा बिजी हो गया था। हुआ क्या? मैं बताती हूँ। अरे बाजार में सब्जी वाले के साथ प्यार से गप्पे लड़ा रहे थे, बाद में मुझे पता चला कि उसका नाम लाजो था, तो मुझे इतना गुस्सा आया, कद्दू लेकर दे मारा इनके सर पे। ये झूठ बोल रही है, उसका नाम लाजो नहीं था, उसका नाम कम्मो था। कम्मो? ये कम्मो कौन है? हम झगड़ा नहीं करेंगे। छोड़ दे रही, मामा जी, आपके गांव से तार आया है। तो पढ़ो ना। आपका सारा शेर खेत खा गया। क्या बोलता है? आपका सारा खेत शेर खा गया। शेर कभी घास खाता है? शेर का मतलब शेर सिंह नाम का आपका गांव का मुखिया है ना? हाँ है, है। बस उसी ने आपके इधर आ जाने के बाद आपका घर, आपकी जायदाद और पूरा खेत खा लिया। नहीं, चलो चलो हम चलते हैं। नहीं नहीं, आप लोग वहाँ मत जाइए, नहीं तो शेर आप दोनों को भी खा जाएगा। अरे नहीं बेटा आनंद, हम तो बर्बाद हो गए। कोई बात नहीं, अब यहीं रहकर हमें बर्बाद कीजिए। अरे क्या बोल रहे हो बेटी, हमारे जाने का इंतजाम कर दो। चलो चलो चलो, जाइए जाइए, सारा शेर खेत खा गया।
सारा शेर खेत का गया सारा चलो यार कोने में खड़े रहकर प्रैक्टिस करो ठीक से ये दोते के सर रट्टा मारो चलो सारा शेर खेत खा गया नहीं नहीं सारा खेत शेत खा गया सारा खेर शेर खेर सारा खेत शेर खा गया अरे अभी करेक्ट था गोले 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 सलाम अंकल अरे तुम चोर लफंग है बदमाश अंकल आपने अभी कंप्लीटली सुधर गया है इतना चोरी किया एक रुपया नहीं मिला अभी गुली गिरी करेगा तो मेहनत का दो चार रुपया कमाएगा अंकल आंटी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है चार नंबर पे तीन नंबर पे अरे चार नंबर पे अरे तीन नंबर पे चार नंबर पे तीन नंबर मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ तो बच्चा मुझे तलाक दे दो तो तुम्हारे बाप को बोलो दहेज का लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दे चल उठा चोर 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 देखा तुम्हारी वजह से मेरा सामान चोरी हो गया तुम तो मुझे बर्बाद करने पर तुली हो चलो चलो घर मुझे नहीं जाना है तो मत आओ मैं यहीं कहीं दूसरी शादी कर लूंगा अरे जाओ जाओ कर लो मैं भी यहीं पर तीसरी शादी कर लूंगी बन्नो मेरा मतलब है दूसरी शादी मधु डार्लिंग मैं अभी अभी ना बैंड्रा पोस्ट ऑफिस से आ रहा हूँ मैंने सोचा कि तुम्हारी मौसी तो अब तक चली गई होगी और तुम इस हाउस में सिंगल होगी चली गई नाक में दम कर रखा था मौसी ने तो तुम अब मेरे नाक में दम करो ना कितने दिनों से रोमांस नहीं किया कुछ करो ना आनंद मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कहो कहो क्यों ना हम प्लानिंग वगैरह का चक्कर छोड़कर कुछ भविष्य के बारे में सोचे मतलब मतलब कि मैं माँ बनना चाहती हूँ आनंद हाँ तो जाओ बोलो ना तुम्हें रोक कौन रहा है मेरा मतलब है मैं तो शादी से पहले तुम्हें एडवाइस देता आ रहा हूँ नॉटी अच्छा सुनो नॉटी फोटी छोड़ो टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है ऐसा करो अच्छा, मेरे लिए एक बड़ा गिलास ना गर्मा गर्म दूध का ले आओ और आधा किलो एक किलो बादाम पिस्ता केसर उसमें डाल के ले आना जाओ 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 सुनो सुनो वही साड़ी और वही घूंघट काट के आना जो मैं सुहाग रात के दिन उठाना देखो अगर फोपुआ नताशा हो ना तो लात मार के उड़ा देना कबाब में हड्डी मधु मौसी 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 जी